इजरायली सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख ने हिजबुल्ला पर हमले को लेकर एक विशेष योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि इजरायल हिजबुल्ला के साथ आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इजरायल पर हमले कर रहा है, जिसमें आईडीएफ को जानमाल से लेकर हथियारों का भारी नुकसान हुआ है। यहां तक कि उत्तरी इजरायल बॉर्डर पर रहने वाले लोग भी अब इस इलाके में दोबारा वापस नहीं आना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब तक हिजबुल्ला के उत्तरी बॉर्डर पर हमले बंद नहीं हो जाते, तब तक वो अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे। लेकिन हिजबुल्ला पर आर पार की लड़ाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुरुआत से ही इसराइल को चेतावनी दे रहे हैं कि वो लेबनान के साथ पूर्ण युद्ध से दूर ही रहे, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट में पता चला था कि हिजबुल्ला के पास मिसाइलों, रॉकेट्स और गोला बारूद का अथाह जखीरा है, जिससे वो एक दिन में इसराइल पर लगातार 3000 मिसाइलें फायर कर सकता है। यहाँ तक कि वो एक महीने तक ऐसे हमले बिना रुके कर सकता है, और ऐसे हालातों में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम धराशायी हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इसराइल लेबनान के साथ सीधी जंग की बात कर रहा है। लेकिन अब एक बार फिर फाइनेंशियल टाइम्स की एक खबर के अनुसार अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी दी है कि हिजबुल्ला के साथ सीधी जंग में आईडीएफ सीमित रूप से अपने आप को बचा पाएगी। वहीं न्यूज वीक के मुताबिक हिजबुल्ला पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों से लैस गैर सरकारी गुट है। अखबार के मुताबिक राजनयिकों ने इसराइल और हिजबुल्ला को बता दिया है कि दोनों आम सहमति से पूर्ण युद्ध को टाले। अमेरिका का कहना है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच एक और युद्ध एक असाधारण विनाश को ला सकता है, और इजरायली पीएम नेतन्याहू के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं इसको लेकर साल 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल युद्ध के दौरान इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड रहे एरन एडजियन का कहना है कि हिजबुल्ला के साथ युद्ध इसराइल के भीतर संवेदनशील इलाकों में अप्रत्याशित तबाही ला सकता है। मुझे लगता है कि इसराइल हिजबुल्ला से 24 घंटे के भीतर हार जाएगा, और ये देखना मुश्किल है कि युद्ध को कैसे जल्दी या बिल्कुल भी जीता जा सकता है। एरन ने आगे कहा कि मेरे नजरिए से मुझे लगता है कि युद्ध में जाने से इसराइल पहले 24 घंटों में हार जाएगा। सामान्य रूप से जो तस्वीर हम देखेंगे वो बड़े पैमाने पर संवेदनशील इलाकों में विनाश की होगी, जो हमने पहले कभी नहीं देखी होगी। वहीं हिजबुल्ला कितना ताकतवर है, इस बात का अंदाजा इजरायली सेना को भी है। आईडीएफ के अधिकारियों के मुताबिक हिजबुल्ला के पास करीब 2 लाख रॉकेट्स, मोर्टार, ड्रोन, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलें, सटीकता से हमला करने वाली गाइडेड बम और अन्य हथियार हैं।